वेलकम बैक आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है विजिबल और इनविजिबल का ये क्यों होता है कैसे होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है से ये मैंने एक टी वी जो है इसको सेलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि इसको इनविजिबल कर दूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इनविजिबल हाँ तो हो जाएगा और ये पूरे सीन में अगर इसके ऊपर एनिमेशन लगाता हूँ तो ये पूरे सीन में इनविजिबल ही रहेगा वो ऑप्शन है कि इसको कुछ देर के लिए विजिबल या कुछ देर के इनविजिबल हम कर सकते हैं वो अगेन काइंड एडवास टॉपिक है मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा अभी सो अगेन विजिबल करना हो तो ये दोबारा इस तरीके से आप विजिबल कर सकते हैं ये विजिबल और इनविजिबल हमें चाहिए क्यों होता है ये मुखलिफर से एक ये जिस तरह का सीन है अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखिए बहुत बड़ा सीन है राइट इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं और हर कमरे में प्रॉपर फर्निश्ड रूम है उसमें प्रॉप्स हैं उसमें बुक्स हैं उसमें टेबल्स हैं उसमें लाइट्स हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं ठीक है तो आप सीन के अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही वक्त में ज़रूरत नहीं होती ठीक है जिस तरह आपकी स्टोरी लाइन होती है उसके मुताबिक चीज़ें आप हाइड या शो कर रहे होते हैं अगर आपको जो चीज़ें ज़रूरत नहीं हैं उनको आप हाइड कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेसर और जीपीयू की प्रोसेसिंग पावर होगी वो बच जाएगी जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से उसको एनिमेट कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल आप लेट्स uh, से मुझे बाकी ये सीन है इसको मैं अगर थोड़ा सा तरतीब दूँ यहाँ पर ठीक है ये किसी और रूम में हम आए पड़े हैं अगेन ये बहुत बड़ा सीन हो जाए तो एग्जैक्ट उस जगह पे जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये वाला रूम था हम यहाँ से निकले थे एड से डिस द थी वी तो मैं थोड़ा सा इसको आ... ये, दिस यह द सीन तो ये देख लट से मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ और मेरा एक सीन है कि करेक्टर जो है वो टीवी देख रहा है तो बाकी जो बाकी रूम्स हैं बाकी चीज़ें हैं अगर मैं उनको अनहाइड भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेरली जब दूसरा सीन क्रिएट करूँगा तो दोबारा उनको हाइड कर सकता हूँ तो ये एक तो ये ऑप्शन तो हो गया ताकि आपका फोकस जो है उन्हीं चीज़ों पर रहे जिन पर आप काम कर रहे हैं जिनको एनिमेट कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लेक्स होती हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ये टी है तो इसके अंदर मैं वीडियो एडजस्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियो प्ले हो रही है ज़रूरी नहीं कि मैं वीडियो भी नहीं बैड करूँ वो बनी बनाई कहीं से वीडियो किसी न्यूज़ की या वो जो है चला सकता हूँ ठीक है तो इसके लिए प्रॉपर इसके अंदर वीडियो फिट करने के लिए बात क्या होगा कि मुझे जस्ट टीवी चाहिए बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो इसके लिए आई क्लोन वालों ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है आइसोलेट सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये दिखाएगा बाकी सब कुछ हाइड कर देगा देखें सिर्फ टीवी मुझे जो है दिखाया जा रहा है एट द मोमेंट बाकी सब कुछ हाइड हो गया तो इसमें मैं जा के जो भी वीडियो है उसको ला के मैं एग्जैक्टली exactly इसमें फ़िट कर सकता हूँ और उसको प्ले कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि कब जो है वो प्ले हो तो ये बता रहे कि आप आइसोलेट मोड में हैं बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं लेफ्ट राइट वो हाइड हुई पड़ी हैं ठीक है थीके? आप दोबारा इस पर करेंगे दोबारा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी तो विजिबल इनविज़िबल जो ये ऑप्शन हैं ये ज़्यादातर हम कैमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं या लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ला, लाइट्स से लाइट्स अगर लाइट्स हैं सीन में लाइट्स कितनी है, हो अगर हम चले जाएँ यहाँ पर तो देखें हर चीज़ के साथ जो है वो ये जितनी भी एरो के निशान हैं ये लाइट्स हैं वन टू थ्री फोर लाइट्स लगी हुई हैं सीन में ये डायरेक्शनल लाइट है ये हमारा कैरेक्टर है कैवन तो लाइट्स जो हैं ये सारी इनविज़िबल होती हैं मींस के वो सीन में नज़र नहीं आ रही होती इसी तरह जितने आप कैमराज लगाते हैं आप जितने मर्ज़ी कैमरा लगाते जाएँ कैमरा लगाने के लिए क्रिएट हो जाके यहाँ पे आप कैमरा स्लाइक लीनियर कैमरा होता है जो कि एक ही लाइन में मूव करता है ऑर्बिटल कैमरा वो होता है जो आप रोटेट भी कर सकते हैं आपको सर्कल सर्कुलर पैथ में उसको मूव कर सकते हैं तो इनमें इतना आजकल इतना ज़्यादा फर्क नहीं ऑर्बिट कैमरा ही सारे काम कर सकता है तो लीनियर पुराना कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और ऑर्बिट कैमरा ही हम यूज़ कर रहे हैं ये लीनियर का काम भी कर सकता है रोटेशन का काम भी कर सकता है हम आगे जाके एडवांस्ड आखिरी लेसन में जब हमारे सीन मुकम्मल हो जाएंगे एनिमेशन मुकम्मल हो जाएगी तो किस को किस एंगल से देखना है तो कैमरा उसके लिए इस्तेमाल होता है वो बाद में देखेंगे तो जितने ज़्यादा हम कैमरे ऐड करता जाते हैं किसी सीन में तो उनको हमें हाइड करना पड़ता है अदरवाइज वो हमें शो हो रहे होते हैं तो ये ऑप्शन जो हाइड का है या इनविजिबल करने का है ये जो है इन्हीं चीज़ों के लिए होता है ठीक है कुछ चीज़ों को प्रॉप्स को भी आप हाइड कर सकते हैं लाइट्स को हाइड करते हैं जनरली हम और कैमराज को हाइड कर रहे होते हैं पूरे सीन में एक में ये चीज़ें हिडन होती हैं तो हाइड करने का एक बेहतर तरीका एक आसान तरीका तो ये है कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करें यहाँ पर हाइड कर दें ये हम देख चुके हैं और बात के तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीन में ऑलरेडी हिडन होती हैं हमें नज़र नहीं आ रही होती तो उनके लिए हमें सीन पैनल में जाके अगेन ये कंटेंट ये सीन पैनल में जाके यहाँ पे देखना पड़ता है अगर आपका सीन जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा ये कलेक्शन भी उतनी बड़ी होती जाएगी एक लंबी लिस्ट होगी ना ख़त्म होने वाली तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे कैमरा अगर लग है या किसी प्रॉपर नेम है तो नेमिंग कन्वेंशन आपके पास होनी चाहिए कि सीन में जितनी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं आपने उनको प्रॉपर नेम दिया हो ताकि ढूंढने में आपको आसानी हो लाइट्स की जब बात करें तो ये देखें ये सारी की सारी लाइट्स हैं ठीक है ये लाइट वन है लाइट टू है लाइट थ्री है ये सारी लाइट्स हैं तो लाइट्स की सेटिंग यहाँ से चेंज हो सके अगेन ये हमारा एडवांस एडवांस का टॉपिक है अगर आप यहाँ से भी आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं सीन में कि सिर्फ लाइट्स दिखाए या सिर्फ कैमराज दिखाए तो ये सिर्फ कैमरा को बाकी ये बटन है हाइड अनहाइड करने के लिए कि ये फ़िल्टर हैं कि करेक्टर सारे गायब हो जाएँ ये प्रॉप्स सारे गायब हो जाएँ ठीक है देखना सारे प्रॉप्स गायब हो गए हैं तो इस सीन में ज्यादातर प्रॉप्स ही थे ये टेरेन है ठीक है वाटर स्काई वगैरह जो आप लगाते हैं ये द्रख्त वगैरह लगाए हैं ये लाइटिंग है ठीक है लाइट्स सारी गायब हो गई है सीन से तो इस तरह जितनी चीज़ें आप हाइड अनहाइड करके इसकी सीन में चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं बहरहाल हमारा आज का टॉपिक ये था कि आज की वीडियो हमने ये देखा कि आप किस तरह किसी सीन में किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशली लाइट या कैमरा को हाइड अनहाइट कर सकते हैं अगर किसी खास चीज़ को फोकस करके काम करना है उसकी डिटेल वगैरह जाननी है तो आइसोलेट सिलेक्शन एक ऑप्शन होता है आप इसको चेक अनचेक करेंगे तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट विजिबल होगा बाकी सारी चीज़ें क्या कर देगा इनविजिबल कर देगा तो ये ऑप्शन आइकलॉ में बड़ा अच्छा है नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बाकी ऑप्शन ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं इनको देखेंगे और इसके बाद हम प्रॉपर एनिमेशन की तरफ एक सीन एक स्टोरी लेके हम एनिमेट करने की चीज़ें कोशिश करेंगे यू देयर